हेलो स्टूडेंट्स, चलो तो आज हम देखने वाले साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट वन। सो इस पार्ट वन लेसन में जो भी न्यूमेरिकल्स है उस न्यूमेरिकल्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारा पार्ट वन का फोर्थ लेसन है, उस लेसन के न्यूमेरिकल्स। ओके, तो हमें क्या हुआ है, ये पहला न्यूमेरिकल्स हमें दिया है, तो इस न्यूमेरिकल्स को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट वन हमें न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह से रीड करना होगा, ताकि उसमें कुछ जो भी कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिले उस इंफॉर्मेशन को हम ठीक से देख सकते हैं। ओके, तो पहले हम इस न्यूमेरिकल्स को रीड करेंगे, उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे। चलो, जो हमें न्यूमेरिकल्स दिया है उसमें देखो क्या दिया है कि हीट एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस। क्या होता है हीट एनर्जी, क्या होती है, प्रोड्यूस होती है इन अ रेजिस्टेंस इन सर्किट। एक सर्किट हमने जोड़ दिया है, उस सर्किट में रेजिस्टेंस भी है और वहां क्या होता है हीट एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं। तो वो जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसका रेट दिया है हमने 100 वाट, इतनी हीट क्या होती है एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं। सो इस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 3 एम्पियर करंट, ये क्या होता है हम सर्किट में पास करते हैं, दैट इज द करंट ऑफ 3 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ सर्किट। अगर इसका मतलब ये है कि हम 3 एम्पियर इतना करंट पास करेंगे तो 100 वाट इतना क्या होगा रेजिस्टेंस उसमें तैयार हो जाएगा, कि या फिर हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, राइट, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए। हीट एनर्जी उसको हम क्या बोलते हैं, पावर भी बोल देते हैं। ओके, इतनी पावर क्या होगी इसमें जनरेट होगी। अगर ये पावर जनरेट होगी तो उस सर्किट में जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट वन हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन वैल्यूज दी है उस गिवन वैल्यूज को या गिवन डाटा को लिख लेंगे ना? पहले हमें क्या दिया है, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पावर। ओके, पावर की वैल्यू कितनी पावर तैयार हो जाती है यहाँ पर, 100 वाट, इतनी पावर क्या होती है तैयार हो जाते हैं। इस पावर को तैयार करने के लिए हमें क्या करना है, 3 एम्पियर इतना करंट हमें क्या करना है उसमें सर्किट में प्रोवाइड करना पड़ता है, या फिर हमने प्रोवाइड किया है, राइट। यानी 3 एम्पियर करंट प्रोवाइड करने के बाद 100 वाट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, तो हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी। ओके, इस तरह से हमें क्या दिया, 3 टर्म्स अपने दिया है, राइट। हम थ्योरेटिकल पार्ट्स में हम दे चुके हैं कि पावर कैसे जनरेट होते हैं, कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज या फिर पर्टिकुलर करंट पर्टिकुलर टाइम के लिए हम जब उसमें से स्पेंड कर देते हैं या पास कर देते हैं तब क्या होता है, हमें पर्टिकुलरली एक पावर जनरेट हो जाता है। यानी कि हमने फॉर्मूला वहां पर देखा था, P = V² / R, ये फॉर्मूला हमने देखा था, राइट। वी यानी क्या होता है, वोल्टेज, ये वोल्टेज हम क्या करते हैं, पास कर देते हैं। या वोल्टेज कब जनरेट होता है, जब हम उसमें करंट पास करेंगे तब वोल्टेज जनरेट होगा, यानी कि वी को हम क्या करेंगे, आई से रिप्लेस कर सकते हैं। सो देयरफॉर हमें नया फॉर्मूला मिलेगा, P = I² R, ये फॉर्मूला हमें क्या हो जाता है, मिल जाता है। ओके, अब हम देखते हैं कि इसमें हमें P की वैल्यू दी चुके हैं, आई की वैल्यू मालूम है और R की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, रीअरेंज कर देंगे। देयरफॉर जिस वैल्यू का हम फाइंड करना है उसे हम क्या है, लेफ्ट साइड पे लेंगे, दैट इज R, और जो वैल्यू हमें मालूम है उसको हम राइट साइड पे लिख लेंगे। सो R = फॉर्मूला तैयार हो जाता है, P / I², ये फॉर्मूला हो जाता है, राइट। अभी हमें P की वैल्यू मालूम है, I की भी वैल्यू मालूम है, तो इस वैल्यू को पुट अप करके हम R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट। P की वैल्यू हमें दिए 100 वाट और I यानी I की जो भी वैल्यू होगी जो हमें दी है 3 एम्पियर, बट यहाँ पर क्या दिया, I का स्क्वायर दिया है, तो हम 3 एम्पियर का भी स्क्वायर लिख लेंगे। ओके, सो हमें आगे सॉल्व करना है। सो 100 एट एज इट इज 3 का स्क्वायर 9 और वेट पर एम्पियर, राइट, यानी कि जितना करंट फ्लो हो जाता है, वर्किंग हो जाता है, उसे हम वेट पर एम्पियर मिलेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओहम। ओके, अगर 9 से 100 को डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर आ जाता है 11.11 और यूनिट आता है ओहम, जो रेजिस्टेंस का यूनिट है। इस तरह से हमें क्या जाता है, इस एग्जांपल्स में रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाती है और यही हमारा आंसर है।
इस तरह से हम क्या करेंगे, फर्स्ट न्यूमेरिकल्स हम इसमें सॉल्व कर देंगे। ओके तो आगे हमें सेकंड न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे, जो सेकंड न्यूमेरिकल्स के बारे में हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो हमें सेकंड न्यूमेरिकल दिया है जो टू टंगस्टन बल्ब्स, यानी दो हमें बल्ब्स लिए हैं, उस बल्ब का वैटेज है, पावर है, पावर जो भी जनरेट कर रहा है उसका, एक का है 100 वाट और दूसरे का है 60 वाट पावर, इतना वर्क जनरेट करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज 220 वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस उसमें मिल जाएगा। तो इफ दे आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल, पैरेलल यानी हमें क्या, एक बल्ब को हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो दूसरा बल्ब उसके आगे जोड़ देंगे। इस सीरीज को हम क्या सॉरी इसे हम क्या बोलते हैं, सीरीज में जोड़ना। और हमें क्या इसे जोड़ना है, पैरेलल में, यानी कि एक बल्ब को हम यहाँ, यानी कि यहाँ से वोल्टेज पास हो जाता है तो एक बल्ब हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे और दूसरा बल्ब यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, बाद में दोनों फिर से आगे जाके एक हो जाएंगे, राइट। सो इस कंडीशंस को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल सीरीज बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शंस बोलते हैं, राइट। इस तरह से हमें क्या बोलना है, ये दोनों बल्ब पैरेलल कनेक्शंस में कनेक्ट करना है। सो हाउ मच करंट विल फ्लो इन द मेन कंडक्टर, मेन कंडक्टर यानी क्या, ये जो हमारी वायर से जो दोनों को डिवाइड करने से पहले या डिवाइड हो जाने के बाद फिर से एक हो जाता है, ये हमारा होता है मेन कंडक्टर यानी मेन वायर, राइट, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। उसकी वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, या करंट फ्लो कितना होगा ये हमें क्या करना है, उसमें फाइंड आउट करना है, राइट। सो पहले हम क्या रखेंगे, उसमें जो भी गिवन वैल्यूज है, उस गिवन वैल्यूज या गिवन डाटा हम क्या करेंगे, उसमें लिखेंगे। पहले क्या दिया हमें, दोन बल्ब्स दिया है जो पावर जनरेट करते हैं, दो डिफरेंट पावर, एंड पावर वन जो होगी वो हो गया मेरा 100 वाट और पावर टू जो होगी वो हमारी होगी 60 वाट। इतने दो पावर के बल्ब्स हमने लिए, पावर्स में हम वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस यानी इस पॉइंट तक हो जाने वाला पोटेंशियल कितना चेंज होता है ये हम हमें दे दिया है। सो यानी फी की वैल्यू एज अ 220 वोल्ट इतनी हमें मालूम है। तो हमें क्या करना है, हाउ मच करंट विल फ्लो इन द मेन कंडक्टर, यानी टोटल आई जो होगा वो आई की वैल्यूज हम क्या करेंगे, सोच हमें फाइंड आउट करना है, राइट। अभी हम देखेंगे कि अगर यहाँ से हम करंट पास कर देते हैं, वो करंट जाके इस एक बल्ब में भी जाता है, दूसरे बल्ब में भी जाता है, राइट। सो यानी कि एक करंट जो आई हम मेन कंडक्टर का फाइंड आउट करने हैं, वो दोनों में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, यानी आई वन भी हो जाता है और आई टू भी तैयार हो जाता है, राइट। इस तरह से वो दोनों क्या होते हैं, तैयार हो जाते हैं और दोनों फिर से एक मिल जाएंगे, यानी फिर आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, ये वैल्यू हम मिल सकते हैं, दोनों का करंट मिला के हमें फिर से टोटल करंट मिल जाएगा, राइट। अभी हम देखते हैं कि करंट करंट कैसे निकालते हैं, कि जो भी पावर जनरेट होगी उसके लिए हम पर्टिकुलरली वोल्टेज देंगे तभी इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। तो हमें यहाँ क्या हुआ है, आई वन यानी फर्स्ट बल्ब के लिए हम कंसिडर करें तो यानी आपका होगा पी वन, और दोनों में से हमने क्या किया है, मेन कंडक्टर से वोल्टेज आया तो वो सेम है, तो वी क्या रहेगा, हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा। एंड सेकंड करंट के लिए होगा पी टू अपॉन वी। इस तरह से हमें क्या मिलेगा, इसका करंट की वैल्यूज दोनों में मिल जाएगी और दोनों करंट को हम एक कर देंगे तो मेन कंडक्टर का करंट हमें इसमें मिल जाएगा, राइट। सो अगर अभी इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर जो हमने आई की वैल्यूज निकाली थी उस आई की वैल्यू इस दोनों में हम क्या करेंगे, पुट अप करेंगे। फर्स्ट वन आई वन की वैल्यू पी वन अपॉन वी प्लस आई टू की वैल्यू पी टू अपॉन वी, ये क्या है, आई टू की वैल्यू। अभी दोनों का डिनोमिनेटर देखिएगा तो सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की भी हम क्या कर देते हैं, एडिशंस कर देते हैं, यानी कि क्या आएगा पी वन प्लस पी टू अपॉन वी। ओके, अब हमें तो पी वन और पी टू की वैल्यू मालूम है, पी टू की भी वैल्यू मालूम है, तो हम उससे क्या करेंगे, वैल्यू पुट अप करके कैलकुलेशंस कर देंगे। पहले हम पी वन की वैल्यू है हमारे 100 और पी टू की वैल्यू है 60, और वोल्टेज हमें मिला है 220, इतना वोल्टेज हमें मिला है, राइट। 100 प्लस 60 यानी होता है हमारा 160 डिवाइडेड बाय 220, जीरो को जीरो कैंसिल,
बचा हमारा 16 डिवाइडेड बाय 22, दोनों का डिवाइडेड कर दे तो हमें आंसर आ जाता है 0.727। और हमने करंट की वैल्यू फाइंड आउट किए, सो करंट का यूनिट है हमारा एम्पियर, ये यूनिट हम यहाँ पर लिख रहे हैं। एज पर मैथमेटिकल कंडीशन लास्ट वाला डिजिट 5 से ग्रेटर है, जब भी वो 5 से ग्रेटर होगा तो उससे पहले वाली वैल्यू 1 यूनिट से हम क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देते हैं, यानी आई की वैल्यू हमें नियर अबाउट मिलेगी 0.73 एम्पियर। इतना क्या होगा, मेन कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी या करंट जो है वो पास हो जाएगा। इस तरह से हम आई की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है हु विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। कौन, हु यानी कौन स्पेंड मोर इलेक्ट्रिक एनर्जी, कौन मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें ज्यादा जनरेट करेगा या स्पेंड करेगा, ये हम देखना है। दो चीजें दी हमें, एक तो पहला वाला है हमें दिया है टीवी सेट और दूसरा दिया है हीटर। ओके, डायरेक्टली हम आंसर्स में लिख लेते हैं। पहले हम क्या दिया है, गिवन कंडीशंस, गिवन में हमें पहली कंडीशंस किसकी दी है, टीवी सेट दिया है और दूसरा जो पहला टीवी सेट और दूसरा हीटर दिया है। ओके, ये दो चीजें हैं, दो चीजों में से हम जब करंट पास करेंगे तो जिस सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कौन कंजम्पशन करेगा, स्पीड स्पेंड करेगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। टीवी सेट के लिए हमने क्या दिया है, 500 वाट इतनी पावर सप्लाई हो जाती है, तो उसके लिए टाइम हम मिलता है 30 मिनट का टाइम हम उसमें क्या करेंगे, दे देते हैं। और यह टीवी सेट का पावर, राइट। हीटर का पावर कितना है, 600 वाट और उसका स्पेंडिंग टाइम है 20 मिनट, राइट। हीटर का पावर 600 वाट और उसका टाइम है हमें 20 मिनट, इतना टाइम हमें क्या उसमें मिल चुका है, राइट। सो टीवी सेट को हम फर्स्ट कंडीशन करते हैं, तो यहाँ पर होगा P1, हीटर का होगा P2, टीवी का होगा T1 और हीटर का होगा T2। इस तरह से हमें क्या उसके वैल्यू मिल चुके हैं। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस कौन सी चीज ने स्पेंड किया, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, राइट। हमें पहले क्या करना है, ये जो टाइम हमें मिनट्स में दिया है उस टाइम को हम क्या करेंगे, हावर्स यानी घंटों में क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे कि कितने घंटे के लिए यूज हमने यूज किए, राइट। 30 मिनट, अगर 30 मिनट को हम जब 60 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिला, आवर्स में कन्वर्ट होगा जाएगा, दैट इज 30 अपॉन 60 इज इक्वल टू क्या होगा, 1.5 आवर्स, इतना टीवी का यूज हमने किया है। वैसे हम हीटर का यूज करेंगे, सो हीटर 20 अपॉन 60 इज इक्वल टू हमें यहाँ आ जाता है 1/3 आवर्स, इतना हीटर की यूज क्या होता है हमारा, यूज हो जाता है। अब इतने आवर्स के लिए हम यूज करेंगे तो उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना स्पेंड हुआ है, ये हम कैलकुलेट करेंगे, राइट। सो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज, राइट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड, यानी क्या हो गया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज यानी क्या, कितनी पावर कितने टाइम के लिए यूज किए, उसका हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहेंगे। दैट मीन्स पी इंटू टी, ये क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हो गया। अगर हमारा फर्स्ट कंडीशन है टीवी सेट के लिए हमें फाइंड आउट करना है, सो टीवी सेट के लिए हम क्या लिया, P1 एंड T1 लिया, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, therefore P1 मल्टीप्लाइड बाय T1, P1 की वैल्यू हमारी 500 वाट मल्टीप्लाइड बाय T1 जो हमने हावर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं 1.5 आवर्स, राइट। अगर 2 से हम 500 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर उसमें मिल जाएगा, वो आंसर आ जाता है हमारा 250, राइट। 2 से हम क्या करेंगे, 500 को डिवाइड करेंगे, हमारा आता है 250, राइट। 250, 500 का यूनिट था हमारा वैट और यहाँ का वैट था हावर्स, 250 वैट पर आवर्स, इतना क्या होता है टीवी सेट क्या ले जाता है, एनर्जी यूज कर देता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन कर देता है, राइट। सेकंड कंडीशन से हमारी हीटर, अब हीटर कितना ये एनर्जी यूज करता है हमें देखना है, सो हम यहाँ करेंगे P2 मल्टीप्लाइड बाय T2, P2 की वैल्यू है हमारी 600 वाट मल्टीप्लाइड बाय T2 की वैल्यू है हमारे 1/3 आवर्स, राइट। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 में 600 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 200,
यानी पर यहाँ पर आ गया 200, यहाँ का यूनिट वाट और यहाँ का आवर्स, यानी कि हीटर का 20 मिनट में यूज होता है 200 वाट और टीवी सेट का 30 मिनट में यूज होता है 250 वाट। ओके, ऐसे कि हम बोलेंगे अब स्पेंड कौन ज्यादा कर रहा है, सो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर टीवी सेट स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट, कंजम्पशन भी ज्यादा हुआ है उसका टीवी का, तो टीवी का भी हम क्या बोलेंगे, वो ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम या फिर स्पेंड कर देगा, यही हमारा क्या होगा उसमें आंसर होगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, ए न्यूमेरिकल्स को भी हम सॉल्व कर देंगे। ओके, नेक्स्ट हमें फोर्थ प्रॉब्लम दिया है, एन इलेक्ट्रिकल आयन 1100 वाट इज ऑपरेटेड फॉर द 2 आवर्स डेली, राइट। एक इलेक्ट्रिकल आयन है जिसका पावर कितना है हमारा 1100 वाट है, जो डेली 2 घंटे के लिए हम क्या कर देते हैं उसका यूज कर देते हैं, सो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन एक्सपेंसेस, राइट, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन कितना होगा ये भी हमें निकलना है, और कितना उसका जो मंथली होगा एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मंथ फॉर द अप्रैल, यानी कि एक महीने का उसका यूज करने का खर्चा एक्सपेंसेस कितना होगा ये हमें उसमें फाइंड आउट करना है, राइट। अभी खर्चा हो रहा है तो एमएससीबी हमसे पैसे भी लेंगे, तो पैसे क्या लेता है, एमएससीबी का चार्जेस क्या है, RS5 पर यूनिट एनर्जी, यानी कि एक यूनिट एनर्जी यूज करेंगे तो उसका चार्जेस हमें 5 रुपए देना पड़ेगा। इसी हिसाब से हम आयन का जो कितना यूनिट यूज होता है वो यूनिट निकालेंगे और उसके अगेंस्ट हम उसके क्या करेंगे, एक्सपेंसेस निकाल लेंगे, राइट। सो हम पहले क्या करेंगे, हम फर्स्ट वन राइट द गिवन वैल्यूज, राइट, गिवन वैल्यूज क्या करेंगे हम उसमें पहले लिखेंगे, राइट, जो आयन दिया है, आयन का क्या दिया है हमें, पावर पी इज इक्वल टू 1100 वाट, इतना पावर है उसका। आगे जाके क्या दिया हमें, टाइम दिया, टाइम दे दिया हमारा 2 आवर्स, अब आवर्स को हम क्या, 2 आवर्स डेली दिया है, राइट, 2 आवर्स डेली। अभी हम पूरे महीने का निकालेंगे, महीना कौन सा दिया हमारे पास, अप्रैल, जो कि हमें मालूम है कि अप्रैल महीने 30 डेज होते हैं, यानी 2 × 30 करेंगे हम, तो पूरे महीने का आयन का यूज कितना हुआ हमारा, 60 आवर्स, इतना यूज हो जाता है, राइट। अभी इलेक्ट्रिसिटी का रेट भी दिया है, इलेक्ट्रिसिटी का रेट क्या है, रेट इज इक्वल टू 5 RS, इतना क्या होता है कंजम्पशन चार्जेस ले लेते हैं, तब हमें टोटल एनर्जी निकालना है। अब टोटल एनर्जी निकालने से पहले हम क्या करेंगे, उसका यूनिट में कितना कंजम्पशन होता है ये हमें निकालना होगा, यानी नंबर ऑफ यूनिट n इज इक्वल टू P × T अपॉन 1000 वाट पर वाट आवर्स पर यूनिट, इस तरह से हम क्या करेंगे उसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेंगे, राइट। इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम टी लेंगे, यानी कि कितने यूनिट्स हमारे एक्सपेंसेस हो चुके हैं हमें क्या होता है मिल जाता है, जैसे कि हम थ्योरी पार्ट में हमने देखा है कि 100 वाट जब हम 1 घंटे के लिए क्या 1 आवर्स के लिए यूज करेंगे तब तो हमारा क्या होता है 1 यूनिट एनर्जी कंजम्पशन हो जाता है। अभी हम यहाँ पे पावर और टाइम के हिसाब से कितना एनर्जी कंजम्पशन हुआ है उसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या आता है नंबर ऑफ यूनिट उसकी एनर्जी मिल जाती है। अभी हमारे पास पी और टी का वैल्यू, टी का वैल्यू हम पुट अप कर देते हैं 1100 मल्टीप्लाइड बाय टी का वैल्यू जो हमने आवर्स में कन्वर्ट किया था, वो वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पर यूज करेंगे, यानी 60 आवर्स डिवाइडेड बाय हमारी नीचे की वैल्यू है 1000 वाट पर आवर्स पर यूनिट, राइट। हम यहाँ से उसका मल्टीप्लाई, एक जीरो को यहाँ का एक जीरो जाएगा, इस जीरो को ए जीरो जाएगा और ए जीरो को ए जीरो जाएगा, यानी सब जीरो क्या हुआ है कैंसिल हो चुके, डिनोमिनेटर में खाली एक ही बचा है वो हमारा वैसे ही निगलेक्ट हो जाता है। अभी बचा है क्या है 11 × 6, सो देयरफॉर हमारी वैल्यूज आ जाती है 66 और ये यूनिट का नंबर हमने कैलकुलेट किया है तो हमारा क्या होगा ये 66 यूनिट हमारे मिल जाते हैं, यानी टोटल मंथ में अप्रैल मंथ में हम क्या करेंगे 66 यूनिट हमारे कंजम्पशन हो जाएगा, राइट। अगर हमें क्या करना है अभी एक्सपेंसेस निकालना है, टोटल एक्सपेंसेस हमने कितने किए हैं या उसका चार्जेस है एक्सपेंसेस का वो हम निकालेंगे, सो हमारा पूरा महीने का यूनिट है
66 यूनिट इतना कंजम्पशन होता है, और एक यूनिट का रेट है हमारे पास 5 रुपए, जो हम देखते हैं कि एमएससीबी बोर्ड या इलेक्ट्रिकल कंपनी होगी जो हमारे क्या बार करे 5 रुपए एक यूनिट के लेंगे। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा टोटल अप्रैल मंथ का एक्सपेंसेस निकलेगा और वो आ जाता है हमारा 330 रुपीज। ये क्या होगा, हमारा टोटल एक्सपेंसेस होगा अप्रैल मंथ के लिए। इस तरह से हम क्या करेंगे कि टोटल अप्रैल मंथ का कंजम्पशन है, ये कंजम्पशन क्या करेंगे हम उसमें फाइंड आउट या हमें मिल जाएगा। ओके ओके, प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ ये 3 एग्जांपल्स हैं, जो भी हमने अभी 4 एग्जांपल्स देखेंगे उस 4 एग्जांपल के हिसाब से हमें ये 3 एग्जांपल्स हम क्या करेंगे उसमें सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला एग्जांपल है, एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ऑपरेटिंग 300 वैट इज यूज्ड 5 आवर्स पर डे इन द मंथ ऑफ मार्च। यहाँ पर क्या है, मंथ हमें मार्च मिला है, सो फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम। यहाँ पर हमें सिर्फ कितना यूनिट कंजम्पशन हुआ है ये फाइंड आउट करना है, टोटल एक्सपेंसेस हमें नहीं निकालना, सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट्स हम इसमें फाइंड करेंगे। सेकंड दिया है, अ बल्ब ऑफ 40 वैट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। यानी हमें पी की वैल्यू भी मालूम है, पी की वैल्यू मालूम है, आर की वैल्यू हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। ओके, थर्ड वन, इफ टीवी ऑफ रेटिंग 100 वैट, यानी क्या दिया हमें पावर, जिसका यूनिट वैट होगा वो हमारी पावर होगी, पावर ऑपरेट फॉर द 6 आवर पर डे, फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम इन लीप ईयर। राइट, यहाँ पर अभी हमें दिया लीप ईयर, लीप ईयर यानी कि कितने, यानी कि हम जानते हैं कि लीप ईयर में 1 डेज एक्स्ट्रा होता है, यानी कि 29 फरवरी का एक डे क्या होता है हमारा ज्यादा होता है, यानी कि लीप ईयर की हमारी वैल्यूज होगी 360 डेज। तो इस 360 डेज में हमारे टोटल कंजम्पशन कितना हुआ है ये हमें क्या करना है उसमें फाइंड आउट करना है। रोज का 6 तास है या 6 आवर्स है, तो टोटल 366 डेज का कितना आवर्स हो कंजम्पशन होगा ये इसमें हमें फाइंड आउट करना है। ओके, आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे और एग्जाम्पल सॉल्व करना, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो कमेंट कर देना, आपको आंसर्स मिल जाएगा। थैंक यू।